हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप बेनिफिट्स लेते रहें। सो, आज इस वीडियो में जानेंगे UGC नेट नवंबर 2020 में थ्योरी ऑफ कॉम्प्यूटेशन से और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटा। ऑटोमेटा से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी अगेन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट टू हाई आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन इक्वेशन को चेक करना है, राइट, कि एम्बिगिटी है या नहीं। तो बेसिकली कहेंगे कि ऑटोमेटा में एम्बिगिटी का क्वेश्चन बहुत बनता है, आपको एम्बिगिटी फाइंड आउट करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एम्बिगिटी फाइंड आउट करना भी बताऊँगी और 10 सेकेंड ट्रिक भी बताऊँगी। बट उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं गाइज, तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में कतराइए मत, क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपके लिए हम इसी तरीके के और नए कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे, राइट? तो पहले आप क्वेश्चन की एक झलक देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर्स इज और एम्बिगस। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन एम्बिगिटी पे बेस्ड है, आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, बेसिकली 3 आपके पास स्ट्रिंग्स हैं। आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा स्ट्रिंग एम्बिगस है, राइट? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप चेक कर सकते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जहाँ पर जो चांसेस है बी के बारे में, अगर आप बी को चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक हियर, बी इस ऑप्शन में भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आई मस्ट से कि फर्स्ट ट्राई विद द ऑप्शन बी, राइट, कि बी ऑप्शन एम्बिगस है या नहीं है, राइट? और साथ ही के साथ एक और बात कहना चाहूँगी, आप यहाँ पर एक बार सी को भी चेक करें, ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर बी नहीं होगा तो आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, ये भी एक चांस है, राइट? और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए की, तो ए भी 2 जगह पूछा गया, तो हम यहाँ पे सीक्वेंस में चलेंगे, बट मैं आपको एक डिकोड करने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे ऑप्शन सेलेक्शन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आपको सॉल्व तो 3 में ही करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोग हैं जो एम्बिगस का मतलब TOC में समझते हैं और उन्हें फाइंड आउट करना आता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को। स्टिल दे आर कमेंटिंग एंड मैसेजिंग कि मैम एम्बिगिटी निकालने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि एम्बिगिटी फाइंड आउट करने में आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, आपके लिए इजी है, डिफ़िकल्ट है, आप इसमें प्रो हैं या फिर स्टिल प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो हम इस पे और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बिगिटी का मतलब मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर एक ही स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए आपको मोर देन 1 वे मिल रहा हो, मतलब एक ही काम को करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपसे कहा जाएगा कि भाई आपको दिल्ली से आगरा जाना है और हमारे पास 2 रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते से आप और बाकी रास्तों से जल्दी पहुंचोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला रास्ता सेलेक्ट करें कि वो वाला रास्ता सेलेक्ट करें, एम आई राइट और रॉन्ग? कन्फ्यूजन इज इक्वल टू एम्बिगस, राइट? तो एक से ज़्यादा रास्ते आपको मिल रहे हैं किसी स्ट्रिंग को डिराइव करने के, ठीक है, एक स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के, देन गिव्स रेज टू एम्बिगिटी, राइट? तो पहले हम ए को चेक करते हैं। अगर आप ए को चेक करोगे तो यहाँ पर आपको लैम्डा डिराइव हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। अब लैम्डा और किसी दूसरे तरीके से आप क्या डिराइव कर पाओगे, तो इस लैम्डा का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन, दैट इज इक्वल टू नल वॉइड, राइट? तो अब हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। हियर ये रहा आपके सामने ए का स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे लामडा को कितने तरीके से डिराइव कर पाते हैं। तो पहले तो देखो एस इज इक्वल टू एस हमने लिया, ठीक है, पहले हमने इस वाले स्ट्रिंग के थ्रू करना सोचा, और यहाँ पे सीधे सीधे इस एस के प्लेस में आप ये लामडा प्लेस कर सकते हो, राइट? मुझे वेव 1 तो ये मिल गया, क्या मैं और किसी और तरीके से भी इसको डिराइव कर सकते हो? तो एस इज इक्वल टू डायरेक्टली लामडा भी डिराइव हो रहा है और एक बार हम इसके थ्रू भी कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आई हैव 2 वेज टू डिराइव लामडा, राइट? तो ये क्या हो गया, कंफ्यूज कर रहा है कि ये वाला रास्ता ले कि ये वाला रास्ता ले, तो इसका मतलब ए आपका एम्बिगिटी को दे रहा है। जब ए आपके एम्बिगिटी को दे रहा है तो क्या मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन में आपका ट्रिक हो जाएगा। जब ए है तो या तो ये पॉसिबल होगा या तो ये पॉसिबल होगा, इसको हटाया और इसको हटाया। अब सी और ए में से सी और बी में से कौन आपका यहाँ पर आंसर हो सकता है, राइट? सो बी को चेक करते हैं, बी स्ट्रिंग आपके पास ये है, हमने यहाँ पर
ए बी और ए बी को लिया है, राइट? क्योंकि लैम्डा को अगर आप डिराइव करना चाहोगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है. यू कैन चेक वेरी क्लियरली, यहीं पर ट्रिक आ जाता है, राइट? यहाँ पर आप लैम्डा देख सकते हो, लैम्डा सिर्फ सीधे इसी तरीके से हो रहा है और किसी भी तरीके से डिराइव अपन नहीं कर पाएंगे. हमें बी और ए, ए और बी का स्ट्रिंग मिलेगा ही मिलेगा. तो इसलिए हमने ट्राई किया कि एक बार ए बी को ले लेते हैं. तो एक बार हमने क्या किया, एस इज इक्वल टू ए एस बी एस लिया, ठीक है, ए एस बी एस लिया, वेयर वी प्लेस्ड ये वाले एस के थ्रू हमने ट्राई किया. यहाँ इस वाले एस की जगह पे बी एस ए एस लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक ए आ चुका है, मुझे बी ए बी चाहिए, राइट? फॉर दैट मुझे यहाँ पर बी को प्लेस करना था, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको फिर से सिलेक्ट नहीं किया. आप चाहें तो कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमने इसको लिया, बी एस ए एस लिया, राइट? यहाँ पर ये वाले एस को और ये वाले एस को सीधे हमने लामडा कर दिया. एप्सिलेंट कहो या लामडा करो, आर द सेम थिंग, राइट? जब हमने ऐसा किया और इस वाले को भी हमने एप्सिलेंट कर दिया, तो क्या मिला आपको? यहाँ से आपको ये ए मिला, बी मिला, ए मिला और बी मिला. तो हमने फर्स्ट टाइम तो इसको डिराइव कर लिया, मतलब ये स्ट्रिंग मौजूद तो है. क्या यहाँ पे कोई सेकेंड वे है इसको डिराइव करने का? तो लेट्स चेक अगेन. हमने यहाँ पे एस इज इक्वल टू ए एस बी एस को ले लिया. इस बारी हमने इस वाले स्ट्रिंग को नहीं सेलेक्ट किया, इसको डायरेक्टली एप्सिलेंट कर दिया लाइक दिस, ठीक है? मेरे पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, तो मैं अब यहाँ पर क्या चाहूँगी, मुझे ए और बी चाहिए. तो इस कंडीशन में हमने वापस से क्या किया, ए एस बी एस को ही यहाँ पे लिया एट द प्लेस ऑफ बी एस ए एस, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ए और बी है राइट नाउ. अब हम इस वाले एस को एप्सिलेंट एप्सिलेंट दैट इज लैम्डा कर देंगे. अगेन आई एम गेटिंग ए बी, ए बी, मतलब मेरे पास दो तरीके हैं अगेन यहाँ पर ए बी को फाइंड आउट करने के. तो ये तरीका आप समझ गए होंगे एम्बिगिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आपको यहाँ पर दो दो चीज़ें मिल गई हैं. तो वैसे तो अपना आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारा ऑप्शन ए जो फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ए और बी ये दोनों एम्बिगस है. बट सी क्यों नहीं है वो चेक कर लो आप. देखो यहाँ पर एस इज इक्वल टू, हमने एक स्ट्रिंग लिया ए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ए बी भी चाहिए, ठीक है, ए बी भी चाहिए. इसके थ्रू क्या ए बी भी फाइंड आउट हो पाता है? सो हेयर वी हैव टेकन एस इज इक्वल टू ए कैपिटल ए एंड बी, ये वाला हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है. रिक्वायरमेंट ए थी, हमने इस ए को तो पा लिया है. नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बी. तो हम यहाँ पर इस वाले ए को ड्रेरअप करेंगे और इसके प्लेस पे बी, कैपिटल बी, बी लेंगे. ले लिया, मुझे बी भी मिल गया है. अगेन मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, फिर से बी चाहिए. क्या मैं इस वाले बी को एब्सोल्यूट कर सकती हूँ? एब्सोल्युटली कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बी इज इक्वल टू लैम्डा है. इस वाले बी को भी हमने एब्सोल्युट कर लिया, तो मुझे तीनों के तीनों ये मिल गए. अब अगर आप इसको और किसी और तरीके से करना चाहते हैं, लेट्स चेक. हमने यहाँ पर ए ए और बी लिया, ठीक है, अगेन हमने लिया, हमें ये ए मिल चुका है. इस ए के प्लेस में किसको मैं प्लेस कर सकती हूँ और? तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या इस ए की जगह पे किसी को प्लेस करने के लिए? तो मेरे पास नहीं है कोई ऑप्शन, राइट? देन उसके बाद मैं इस बी की जगह पे भी क्या ये ए प्लेस करूँगी, है ना? फिर से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पर बी, ये वाला बी और बी लेना पड़ेगा, ठीक है. इस वाले को अगर मैं हटा दूँ, इस वाले बी की जगह पर मुझे यहाँ पर लैम्डा मैं फिर से कर दूँगी, तो मुझे वही सेम स्ट्रिंग ही मिलेगा, मतलब सेम ही तरीका है ये. तो और कोई तरीका नहीं है ताकि मैं ये वाले स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकूँ. दैट इज़ वाई ये एम्बिगस नहीं है आपका और हमने यहाँ पर इसको आंसर नहीं लगाया, ठीक है. अब ट्रिक क्या है, ट्रिक से अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ चलें, तो यहाँ पर देखिए, जब आपके सामने ये मैंने आपको बेसिक बताया कि हाउ टू फाइंड आउट एम्बिगिटी इन एनी स्ट्रिंग, ठीक है. एम्बिगिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, इफ़ यू नो अबाउट इट, ठीक है. आपको एम्बिगिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट दिस ट्रिक, राइट. अगर आपको एम्बिगिटी का पता है, आपको पता है कि इस एस से क्या मैं लैम्डा को डिराइव कर सकती हूँ, तो यस, एक तो डायरेक्टली होगा, है ना. अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे डायरेक्टली होगा. दूसरा तरीका क्या, आप इसके थ्रू इन दोनों एस की जगह पे लैम्डा कर दोगे, ठीक है. तो यहाँ पे दो दो एस के थ्रू हो जाएगा, मतलब आपका ए जो है वो शेयर है. ये आप विद इन 5 सेकेंड कर सकते हो और वहाँ से आपका आंसर एलिमिनेट हो जाता है, ये और ये, जो कि मैंने आपको वहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके बताया. देन यू हैव टू चेक कि बी होगा कि नहीं होगा, है ना. अब एक और बात है यहाँ पर, अगर एस की मैं बात करूँ, यहाँ पर एस की जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है. एस आपका इसके बराबर है, ये एस आपका इसके बराबर है, और एस को हम एक बार लामडा के साथ तो नहीं कर सकते. यू कैन वेरी सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे ए बी और एस बी आ रहा है, राइट.
आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, एस इज इक्वल टू, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बी एस ए एस ले रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे कि बी ए बी ए हो पा रहा है कि नहीं, है ना, वो भी देख सकते हैं। तो इस एस को मैं ए एस बी एस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बी मिल रहा है, ए मिल रहा है, अगेन यहाँ पे बी मिल रहा है, ए मिल रहा है, इसको भी आप कर सकते हैं, इसका भी वे देख सकते हैं। बट आपको यहाँ पर इसका और इसका दोनों में से किसी एक का सॉल्व हो ही जाएगा, ये बात की श्योरिटी है। ऑटोमेटिकली आपको देखकर पता चल जाए कि ये स्ट्रिंग एम्बिगिटी क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता। बट हियर इन केस दिस, आपके पास ये भी है और ये भी है, जब ये दोनों भी बड़े बड़े हैं, एक ट्रिक बता रही हूँ, और ये भी बड़ा है, जब तीन चार बड़े बड़े मिलते हैं तो वहाँ पर अकड़ आ जाती है, और अकड़ आ जाने के कारण वहाँ पर एम्बिगिटी हो ही नहीं पाती, सब अपने अपने रास्ते चलना चाहते हैं, राइट। और लामडा को हम डिराइव तो कर नहीं पाएंगे, खुद बी जो है वो बड़े ए के ऊपर डिपेंड करता है, बड़ा ए जो है वो यहाँ पर इस तरीके से, और जो आपका एस है वो ए और बी दोनों पे, बड़े ए और बी पे बहुत डिपेंडेंट है, तो ऑटोमेटिकली एम्बिगिटी नहीं कर पाएगा, है ना, सबके अपने अपने रास्ते हैं, तो सी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। तो बेसिक तरीका, ट्रिकी तरीका, सब कुछ हमने यहाँ पर देखा, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक और बात, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आप यूजीसी नेट की तैयारी करें, पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका 50% काम वहीं हो जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वीडियो पसंद आ रहा है गाइस लाइक ज़रूर कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में बताइए और आपको किस तरीके की वीडियोज़ चाहिए। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।